शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पूरे गांव के बच्चे हैं, दूर से आते हैं। हम बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। लेकिन जीवन यापन हो जाता है ठीक से? अब किसी तरह जीविका उपार्जन जी हो जाता है, क्या कर तो अपना कुछ कुछ बच्चे गरीब हैं उनसे निःशुल्क सेवा कर देते हैं। अच्छा राजा भैया, काफी फेमस है आपके क्षेत्र। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो जनता के लिए कुछ करते उड़ते हैं? हाँ, विकास कार्य हमारे यहाँ पानी की टंकी बगल में इसी गांव में बड़ी अच्छी सुविधा करा दे। सड़क उनकी देन है, बिजली यहाँ पर पहुँचाए हैं, नाली खड़ंजा सब पूरी व्यवस्था एकदम दुरुस्त पाए हैं। आज जो समस्या है लोग उनके पास जाइए और पूरी समस्या अपने आप सुनते भी हैं, समाधान करते हैं। ये नहीं पुलिस वाले के पास भेज दिया जाओ वहाँ पर लड़ो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप निपटारा कर सुनवाई कर जान सुनवाई करते। जी दोस्तों नमस्कार, इस समय हम गोगौर गाँव में है और यहाँ पे एक ऐसे शिक्षक है जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और भारत का भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य बच्चों का संवार रहे हैं। इधर देख सकते हैं, इधर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पूरे गांव के बच्चे हैं, दूर से आते हैं। ये बात दिखाइए कैमरामैन से, मैं चाहूँगा ये बड़े बड़े क्लास जो है मतलब तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है। और यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, इधर भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे संख्या इससे सीधे बात करेंगे। पहले शुभ नाम बताइए आपका। जगदीश मिश्रा है जी। मिश्रा जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। कितने बच्चे पढ़ाते हैं आप रोज़ाना? अब जी हमारा सीनियर शिफ्ट है, यहाँ पर 8-10 बच्चे यहाँ पर हैं और दो जगह पर है, वहाँ पर भी जाते हैं गांव में। अच्छा। हाँ, तो तीन जगह पढ़ाते हैं दिन भर में। जीवों को उपार्जन भी हो रहा है और कुछ बच्चे निःशुल्क भी, रोजगार भी हैं तो अपना जीविका उपार्जन भी हो जाता है और मतलब कम फीस में छोटे बच्चों का ज्ञान भी बढ़ जाता है। ये राजा भैया और कुंडा क्षेत्र के बगल पड़ता है बाबागंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से भी जनसत्ता दल के ही विधायक हैं, वही ग्राम सभा गोगौर पड़ती है। मिश्रा जी, एक मतलब रोजगार का अभाव था, रोजगार नहीं था तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे ऐसे हुए जिनको इन्होंने निशुल्क पढ़ा रहे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक माध्यम बन रहे हैं। जी जी, माध्यम बिल्कुल। कितना साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? कम से कम 25 साल हो गए जी। 25 साल से हो गया। देखो, एक होता है शिक्षक की कीमत तो नहीं लगाई जाती, लेकिन 25 साल इन्होंने अपने जीवन के दिए हैं शिक्षा क्षेत्र में, यकीनन अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व। जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहीं 25 साल से निःशुल्क प्राइवेट लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे हैं ये सब बच्चे, गाँव से हैं, ग्राम सभा से ही हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बच्चे आपका? क्या नाम है? बैठे रहिए। क्या नाम है? अनुज यादव। सर पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, अच्छा लगता है कि कुछ आगे क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? हम बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। अच्छा सर, अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? रिया यादव। रिया सर, अच्छा पढ़ाते हैं मतलब रोज आती हैं पढ़ने? हाँ। कभी बहाने तो नहीं बनाती? नहीं। आती हैं? आप? अर्पित यादव सर। आते हो पढ़ने? यस सर। मन लगता है कि नहीं? हाँ। अच्छे से समझाते हैं सर? यस सर। आपको? सौम्या यादव। आपको भी पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, तो ये सब बच्चे पढ़ते हैं, ये गांव के ही बच्चे हैं। आपका दूसरा गांव है? दूसरे गांव से आए हुए हैं और यहां पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही गांव है हमारा। अच्छा। ग्राम सभा गोगौर भी है। अच्छा। हाँ, तो इसी ग्राम सभा के निवासी हम, मैं भी हूँ, ऐसी ग्राम सभा के बच्चे भी हैं, पूर्वा अलग अलग रहे। और भी बच्चे हैं इधर देखिए, ये अकेला बच्चा, ये अकेला क्यों बैठा है? थोड़ा बच्चा अभी बहुत मामा के यहाँ चला गया था अपने निहाल में। अच्छा, अभी एक हफ्ता 10 दिन से तो बच्चे मन लग रहा है। बच्चा थोड़ा कम मन लग रहा है, पढ़ते हो? और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, ये कुछ बच्चे और हैं गांव के, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा? काव्या। काव्या, बच्चे हैं नन्हे नन्हे, ये सब बच्चे अभी अभी ट्रेनिंग इनकी शुरू हुई है, और ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कोई इसमें IAS भी बन सकता है निश्चित रूप से। यही बच्चे आगे जाएंगे, यही बच्चे ग्राम सभा क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। मिश्रा जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह महंगाई है, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन जीवन यापन हो जाता है ठीक से? अब किसी तरह जीविका उपार्जन जी हो जाता है, क्या करें अपना समझता है, घर गांव खेती बाड़ी भी कुछ काम कर लेते हैं, ऐसे अपन 4-6 घंटे अपन मेहनत, बच्चों को 2-2 घंटा 3 जगह मेहनत कर देते हैं, 6-7 घंटा मेहनत कर दिए तो अपना कुछ कुछ बच्चे गरीब हैं उनसे निःशुल्क सेवा कर देते हैं। अच्छा राजा भैया, काफी फेमस है आपके क्षेत्र। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो जनता के लिए कुछ करते उड़ते हैं? हाँ, विकास कार्य हमारे यहाँ पानी की टंकी बगल में इसी गांव में बड़ी अच्छी सुविधा करा दें, जबकि यहाँ तक की सप्लाई वो देखिए आप, वो देखिए पानी की टंकी पूरे बच्चे मतलब है क्षेत्र में, सड़क उनकी देन है,
बिजली यहाँ पर पहुँचाए हैं, नाली खड़ंजा सब पूरी व्यवस्था एकदम दुरुस्त सीटें पाए हैं। आज जो समस्या है लोग उनके पास जाइए और पूरी समस्या अपने आप सुनते भी हैं, समाधान करते हैं। ये नहीं पुलिस वाले के पास भेज दिया जाओ वहाँ पर लड़ो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप निपटारा कर सुनवाई करते जन सुनवाई करते जी हाँ। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजा भैया का विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पे जन सुनवाई कर रहे हैं। समस्या जी होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ और सुनते हैं, बाकायदा निपटारा करते हैं और जो समस्या होती है वो निदान भी करते हैं तत्काल में, ऐसी कोई बात नहीं हो। वो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे राजा हैं जी हाँ, तो काम करते हैं इसीलिए वो जीत रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, आज से जब से वो इलेक्शन में खड़े हुए और हमेशा जीते हैं, हमेशा जीतते रहेंगे। यहाँ से कोई प्रत्याशी दूसरा जनसत्ता के राजा भैया के सिवा कोई नहीं जीत पाएगा। क्या वजह होती है इसी, मतलब ग्राउंड पे काम करना, दुख-सुख में काम आना? लोग प्रीता है, लोग प्रीता गांव के में काम करते हैं इसीलिए कर रहा हूँ, और कोई नहीं। राजा करता नहीं, वो लोकप्रिय हैं, जन के लोकप्रिय हैं, सारी समस्या सबकी सुनते हैं, निदान करते हैं अपने आप में, इसीलिए जीतते हैं। विधायक भी हैं उनके पास, चाहे गरीब जाए तबके जाए जो भी समस्या लेके जाए, शादी ब्याह हो, कुछ भी समस्या, नल को हो, कोई भी समस्या हो, लेके जाता है तो उसको निदान करते हैं अपने को। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं भैया बेटी की शादी में मदद करते हैं, किसी को दुख, किसी की बेटी का एडमिशन कराना हो, कुछ कराना हो तो उसमें सहायता करते हैं। वो हर साल लगभग कन्याओं को शादी करते हैं, कई 51 जी 101 कन्याओं की शादी कुंडा में, बाबागंज में शादी है, आँख के अस्पताल, निःशुल्क वृद्धों को चश्मा, जगह देखने को लोग कहते हैं कि ये काम करते हैं, यानी ग्राउंड पे चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ ले हर ठंडी में बाबागंज ब्लॉक हो, बिहार ब्लॉक हो, हमारी सब ब्लॉक है, वहाँ पर वृद्धों को हर साल निःशुल्क चश्मे, भोजन, पूरी व्यवस्था देते हैं, मतलब दवा से अपने गाड़ी से साधन से लिवा जाएंगे, मरीज को पहुँचाएंगे, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ये वजह बता रहे हैं मिश्रा जी, जो कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजा भैया का क्षेत्र ही पड़ता है ये पूरा कुंडा, बाबागंज विधानसभा, उन्हीं के दोनों विधायक पार्टी के हैं, और ऐसे ही मोटिवेशनल लोगों के बारे में आपको अपडेट कराते रहेंगे। मिश्रा जी बहुत आभार, आपने समय दिया, इस समय हम गोगौर में खड़े हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा कम भले ही मिलता हो लेकिन एक भविष्य तैयार कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, ऐसे ही जी बच्चों को भविष्य उज्ज्वल हो रहा है, समझता, इसमें बच्चे बिना मतलब शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे बिल्कुल जी, नहीं तो बच्चे इधर उधर घूमते टहलते हैं, इधर उधर अनाप शनाप भगते हैं, इससे बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल होगा, एक समाज सेवा जी हमारी हो जाएगी, और देने वाले तो सब ईश्वर हैं हमारे जो देंगे, समझता है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, बहुत बहुत आभार मिश्रा जी।